ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये है तिवारी खानदान के सबसे बड़े दुश्मन नल्ले विभूति नारायण मिश्रा। हरिया के बच्चे, तुझे पूरे ऑस्ट्रेलिया में ये लड़की मिली थी हमारे दुश्मनों की? और क्यों लल्ली, तुम्हें पूरे ऑस्ट्रेलिया में हमारे दुश्मन खानदान का इल्लौना मिला था? भैया मुझे क्या पता था आपके दुश्मन खानदान के, और वैसे भी प्यार बायोडेटा देख के नहीं होता। एक बात कान खोल के सुन ले, तेरी शादी इस लड़की से नहीं हो सकती। और लल्ली तुम भी कान खोल के सुन लो, तुम्हारी शादी इस लौंडे से नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। भैया ऐसा नहीं हो सकता। आप दोनों ऐसा काय काय कर रहे हैं? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनका शादी करवा दीजिए ना। तुम चुप रहो, ये तिवारी खानदान की आन बान और शान का सवाल है। तिवारी खानदान माय फुट। आन बान शान की बात करते हो, हमारे सामने मिश्रा खानदान के सामने, भाभी जी के अलावा तुम्हारे खानदान में सब छिछोरे और जलील लोग हैं, गिरे घटिया लोग। थैंकू। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। तुम इस मामले में ना ही बोलो तो बेहतर है। तिवारी खानदान की औरतें मर्दों के मामले में दखल अंदाजी नहीं करती। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिश्रा खानदान के लड़के से मोहब्बत करने की? भैया मोहब्बत खानदान देखकर नहीं, दिल देखकर की जाती है। तो क्या सारी दुनिया में तुम्हें यही दिल मिला था मोहब्बत करने के लिए? हम पूछते हैं कि इतने बड़े ऑस्ट्रेलिया में तुम्हें सिर्फ ये लड़की मिली थी मोहब्बत करने के लिए? भैया मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। ओह शट अप, हमें मोहब्बत का पाठ पढ़ाने की कोशिश मत करो। और इतना समझ लो कि मिश्रा खानदान के दिल में तिवारी खानदान के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत पलती है और पनपती है। आखिर हम पूछते हैं इतनी नफरत क्यों भैया, क्यों? इस सवाल का जवाब तिवारी खानदान की उन बुजुर्ग महिलाओं से पूछो जिन्हें भरी जवानी में मिश्रा खानदान के छिछोरे लौंडों ने छेड़ा था। भैया ये छेड़छाड़ तो बरसों से चली आ रही है, महाभारत में भी तो कौरवों ने द्रौपदी को छेड़ा था। तो उस छेड़छाड़ का अंजाम भी तो तुम अच्छी तरह से जानती हो, लाशों के अंबार लग गए थे। इसीलिए तो कह रही हूँ भैया, इस नफरत में किसका भला हुआ है? नफरत दिलों को तोड़ती है भैया, और प्यार दिलों को जोड़ता है। इसलिए आप भी नफरत भुलाकर एक दूसरे से प्यार कीजिए। दिलेश्वर। जी हुजूर। एक गिलास पानी लेके आओ। ये लीजिए हुजूर। हरिया अब इन कांच के टुकड़ों को जोड़ के दोबारा से ग्लास बना दो। भैया ये नामुमकिन है। जिस तरह इन कांच के टुकड़ों को जोड़ना नामुमकिन है, उसी तरह हमारा तिवारी खानदान से कोई भी दोस्ती रखना या रिश्ता बनाना एकदम नामुमकिन है। हमारा उनसे सिर्फ एक रिश्ता है, और वो रिश्ता है दुश्मनी का, नफरत का। जो हुजूर। लेकिन मैं हैरी से बहुत प्यार करती हूँ भैया, प्लीज मैं उसके बिना नहीं जिंदा रह सकती। खामोश। दिया शांत हो जाओ मैली, शांत हो जाओ। भाभी आई एम नॉट मैली, आई एम लिली। ऐसे पकड़े हैं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन हम पूछते हैं तुम यहाँ आई काहे, हम काहे आई यहाँ? मुझे क्या पता था भाभी कि भैया इतने बदल जाएंगे। हमको भी कहाँ पता था कि वो इतने टॉपलेस हो जाएंगे। भाभी वो रूथलेस होता है। सही पकड़े हैं, हमको भी ना ही पता था कि वो ऐसे कठोर हो जाएंगे। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता लीली। तुम भी तो मेरी जिंदगी हो। देखो तुमको पता नहीं है कि तुम दुश्मन के खेमे में हो, दुश्मन के खेमे में। अगर लड्डू के भैया को पता चल गया ना तो मॉन्स्टर आ जाएगा, मॉन्स्टर। भाभी आप डिजास्टर कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, काहे कि उनको पता चल जाएगा तो मार देंगे तुमको। प्यार करने वाले मौत की परवाह नहीं करते भाभी जी। मैंने और लीली ने सच्ची मोहब्बत की, साथ जीने मरने की कस्में खाई हमने, और हम दोनों को अलग दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। अंगूरे भैया आ गए।
बाथरूम में क्या क्या बाथरूम में ये इतना ककिया खाए रही हो और ये आवाजें कहाँ से आ रही थी? हमने कुछ मर्दाना सा सुर सुना। आ ओ ओ ओ ओ, ओ का है ना, क्यों हम ऐसे बुलंद आवाज में ये पतीली को समझा रहे थे? भाभी हम पतीली हम लीली ऐसे ही पकड़े हैं। तो इस छबील इस लल्ली को समझाओ कि उस लौंडे का भूत अपने सर से उतार दे, नहीं तो उस लौंडे को हम निस्त नाबूत कर देंगे। ठीक वाला ठीक है भैया, आप तान से ना लीजिए, फिक्र ना कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। हाँ फिक्र हम नहीं, हमारे दुश्मन किया करते हैं। खैर छोड़ो, हम जरा 10 मिनट में होके आते हैं। इसका मतलब हैरी के भैया और मेरे भैया आपस में दोस्त थे, बहुत गहरे दोस्त। ये दोनों ऐसे दोस्त थे कि एक दूसरे की जमकर बैंड बजाते थे, एक दूसरे से जमकर लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, लेकिन एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। विभूति नारायण मिश्रा की रात अपने घर में गुजरती थी, लेकिन वो सुबह की अलख मनमोहन तिवारी के घर में जलाते थे। उसी तरह मनमोहन तिवारी की आंख तो अपने घर में बंद होती थी, लेकिन सुबह उनकी आंख विभूति नारायण मिश्रा के घर में खुलती थी। लेकिन पता नहीं उन दोनों की इस खूबसूरत दोस्ती को किसकी नजर लग गई यार। आज दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। सर क्या ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं हो सकती? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? लेकिन कैसे? वो ऐसे कि तुम दोनों को एक कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। व्हाट इम्तिहान? तुमको मनमोहन तिवारी के दिल में मोहब्बत जगानी है और तुमको विभूति नारायण मिश्रा के दिल में मोहब्बत जगानी है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? ये जरूर पॉसिबल होगा, मेरे पास एक आइडिया है। What the? राम राम साहेब। देखो एक और लड़की क्या चाहती है? सरकार कोई मजबूर और जवान छोरी मालूम पड़ती है। ठीक है, इसे कुछ खैरात देके विदा करो। आज तक का रिकॉर्ड है कि मिश्रा खानदान के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं गया है, ये भी खाली हाथ नहीं जाएगी। साहब हमको खैरात नहीं, काम चाहिए। हमें किसी नौकरानी की जरूरत नहीं। तकलिया। तकलिया मतलब? अबे दफा हो जा बोलना। लेकिन सरकार बड़े बड़े घरानों में खूबसूरत छोरियां, मेरा मतलब है अच्छी अच्छी नौकरानी रखने का रिवाज हो गए, आप इस छोरी को काम पे रख के इस रिवाज का पालन कीजिए। अच्छा तो ठीक है, रख लो। ये आपका कोनो दोस्त है ना साहब जी? दोस्त था, अब ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है।
माफी साहब जी, लेकिन कौन है ये? लोग इसे भभूति नारायण मिश्रा के नाम से जानते हैं। अच्छा, वो वो नल्ला विभूति नारायण मिश्रा। तुम कैसे जानते हो इसे? साहब जी, आपके और विभूति नारायण मिश्रा के हमारे बबराले में बहुत चर्चे होते हैं। सोडा लाओ। क्या क्या बातें होती है तेरे बबराले में हमारे बारे में? यही कि एक नल्ला है, दूसरा कच्चा बनियाइन है, दोनों एक नंबर के लीचड़ घटिया और गिरे हुए इंसान है। थोड़ा लाओ। साहब जी, लेकिन एक और बात बड़ी मशहूर है आप दोनों के बारे में हमारे बबराले में। कौन सी बात? यही कि दोनों बड़े मोहब्बती इंसान हैं। खास तौर से आप मोहब्बत के पुजारी। इसमें तो कोई शक नहीं। तो साहब जी, काहे आप उन दो प्यार करने वालों को जुदा करने में लगे हुए हैं? तू किसकी बात कर रहा है? हम हैरी और लिली की बात कर रहे हैं। सोडा लाओ। दुश्मन खानदान के लौंडे, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसते गए? हाय दियो, कहा हुआ इतना चीख कह रहे हैं? हाय दियो, दिखांगुरी, इस दुश्मन खानदान के लौंडे की करतूत हमारे ही घर में घुसाया। एक आवाज। जी सरकार। इसे खदेड़ के हमारे घर से बाहर निकाल दो। सारे तेरे मोहब्बत का भूत मैं भी झाड़ता हूँ बाहर। भैया मेरी बात सुनिए भैया, प्लीज सुनो। इसे बाहर खदेड़ के ले जाओ और इसे इतना कूटो कि इसके सर से लल्ली का भूत उतर जाए। अरिया, तू क्या कर रहा है हमारे दुश्मनों के खेमे में? और लल्ली, तुम हमारे शत्रु के खेमे में क्या कर रही हो? कहीं हमारे शत्रु ने तुम्हारे साथ कोई छेड़खानी करने की कोशिश तो नहीं की? नहीं नहीं भैया, इन्होंने कोई छेड़खानी नहीं की, लेकिन ये कमीना मुझे कब से घूरे जा रहा है। इस कमीने की तो हम गर्दन मरोड़ देंगे। सामने तो आओ मनमोहन तिवारी, मिश्रा खानदान ने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। कम टू डैडी बेबे। और नहीं आओ। एक मिनट, पहले हरिया वहां से चलेगा, फिर तेरी बहन यहां से चलेगी। आई लव यू लिली। लव यू टू हैरी। ये तो इसकी किस्मत अच्छी थी जो ये बच गया, वरना तिवारी खानदान के खेमे में आकर कोई दुश्मन बचकर वापस नहीं जाता। वो तो इस लड़की की किस्मत अच्छी है जो बच गई, वरना मिश्रा खानदान वो भट्टी है, दुश्मन एक बार उसमें कूद जाए तो उसका नामो निशान मिट जाता है, खत्म हो जाता है। विभूति ताऊ जी, आप प्रणाम। चरण स्पर्श ताऊ जी। विभूति, क्या वक्त की कीमत ने तुम्हारे अंदर रचने बसने वाली परंपराओं के फर्नीचर को एकदम खोखला कर दिया है? और तू अपने खानदान की पुरानी परंपरा को भूल चुका है? किस परंपरा की बात कर रहे हैं? और कल नारियल पंचमी है, और कल के दिन हमारा खानदान देवी माँ के मंदिर में जाकर
नारियल फोड़ता है। और ये नारियल पंचमी एक ऐसी परंपरा है जो मिश्रा खानदान की शिरकत के बगैर अधूरी है। विभूति, तू कल देवी मंदिर जाएगा, वहां नारियल फोड़ेगा और इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा। तो जी, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो। भैया जी, अंदर भाभी जी को ऑपरेशन चल रहा है का? अबे बावले, इस नर्सिंग होम में एक ही रूम है जिसमें सब कुछ हो गए। हमारी इस नफरत की आग में हमारी बीवी झुलस गई। हमारी नफरत की सुइयों ने एक मोहब्बत के मासूम से गुब्बारे को फुस कर दिया। डॉक्टर अंदर इतनी देर से क्या कर रहे हो? कि डॉक्टर बाहर क्यों आ रहे हो? अगर भाभी जी को कुछ हो गया ना तो कसम खा के कह रही हूं, इस हॉस्पिटल की ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। भैया जल लट्टू फ्यूज हो गो। डॉक्टर साहब, भाभी जी की तबीयत कैसी है? खतरे से बाहर तो है ना डॉक्टर साहब? क्या भैया, ये आप दोनों में दुश्मनी दुश्मनी की क्या उछाट बच गई? अरे दो पल की जिंदगी है, उसे हंस के खेल कर बिताइए आप लोग। अबे डॉक्टर, ज्ञान मत दे। ये बता कि भाभी जी की तबीयत कैसी है? आवश्यक सच तो ये है कि भाभी जी अभी भी खतरे के बाहर नहीं है, अंदरूनी चोटें आई हैं दिमाग में, कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे तो डर है भैया कि भाभी जी कोमा में ना चली जाएं। फिलहाल मैं अंदर जाके भाभी जी का ख्याल रखता हूं। एसी का बहुत मजा आ रहा। अल देखिए भैया, ये फुलटॉस एसी लगाने के लिए थैंकू। फुलटॉस नहीं, वोल्टास एसी है पगली। सही पकड़े हैं। कहा है ना कि हमको बहुत सुकून महसूस हो रहा है, बहुत ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। देखा, कानपुर में रहकर हमने तुम्हें शिमला का मजा दिलवा दिया। सेठ जी। क्या बे, यहाँ क्या कर रहा है? खोके शॉप पे कौन बैठेगा? ऐसा है सेठ जी, मेरे दोस्त बेघर हो गए और साथ ही साथ मैं भी अपना सामान लेके फिर रहा हूँ। मेरी तनख्वाह में से थोड़े से पैसे दे दो, क्योंकि पूरी तनख्वाह देने की तुम्हारी औकात ना है। देंगे कर रहे अब तक खींच के, समझा? कुछ भी। अरे मोरी मैया, भैया जी न्यू एसी। वाह सेठ जी वाह, एसी लगाने के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास? हमारी तनख्वाह देने के लिए पैसे ना है तुम्हारे पास? भैया जी आपको एसी कूलिंग ना दे रहा हूँ। भैया जी जे का बात है गई, यहाँ पे तो कंजूसी कर गए आप। चुप जाओ सालो, हमने कोई पैसे वैसे नहीं बचाए हैं, बल्कि हमने एक बहुत ही उम्दा डिसीजन लिया है। ये देखो, ये है एडजस्टेबल बटन जो 1 टन के एसी को 1.5 टन के एसी में बदल देता है। जब ज्यादा लोग हो तब ये बटन अपना काम करता है और कूलिंग को बढ़ा देता है। तो हम क्यों करें एडजस्ट, एसी करेगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भाभी जी क्या है ये? का है, का है? ये गोद में क्या है आपकी? हमरा बच्चा है, हमरे जिगर का टुकड़ा है, हमरा लल्ला है। ये हादसा कब हुआ? मतलब हमें पता ही नहीं और बच्चा भी हो गया? आज सुबह ही तो हुआ है। आज सुबह हुआ है, उसे लेके आप टहलने निकली हैं?
ये हंस क्यों रही हैं आप? आप हमारे मुन्ना से मिलना चाहेंगे क्या? अभी मिलवाते हैं, ये लीजिए। इतना डाल है डाल। भाभी जी आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, मेरा तो खून ही सूख गया था। बाय गॉड, देखे देखे हमारा सेंस ऑफ हैमर देखे आप। ये किसी हैमर से कम नहीं है आपका सेंस ऑफ हैमर। क्या बोले? अभी जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। सही पकड़ा है। आपको पता है आज सुबह ना लड्डू के भैया को भी हम ऐसे ही डरा दिए। ऐसा मजाक आप लड्डू के भैया के साथ कीजिएगा, लेकिन आइंदा मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक कभी मत कीजिएगा भाभी जी। और मेरा हार्ट फेल भी हो सकता है, मैं बहुत कमजोर दिल का हूँ। Maybe not able to take it. I'm sorry. हमको ये जानकर बहुत बहुत खुशी हुआ कि तुमको हमारी शादी का सालगिरह का तारीख याद रहता है और सिर्फ तुमको और अम्मा जी को ही रहता है। हाँ, कहा है ना कि अम्मा जी भी हमको पहले ही कॉल कर देती हैं। हाँ, लेकिन डैडू को ही याद ना ही रहता है। या पता नहीं, हमको कभी कभी लगता है कि वो जानबूझकर भी ऐसा करते हैं। हाँ चलो, ये बात देखते हैं उनको याद रहता है कि नहीं। लड़की के भैया को, हाँ उनको भी देखते हैं, अभी उनसे पूछते हैं हम। अंगूरे, सुनो सुनो, बुरी बात में कॉल करते हैं। हाँ आ गए हूँ, एक बार पूछ कर देखते हैं, ठीक बा? हाँ हाँ भाई भाई। अरे भाई, नाश्ता वास्ता खिलाओ भाई, हमें खोके की हमें शॉप पे भी जाना है। और किससे बतिया रही थी तुम वही फोन पे? भूरी का कॉल था। अच्छा, क्या हाल चाल है भूरी के? ठीक बा। सुनिए लड्डू के भैया, एक मिनट यहाँ पर बैठिए। हाँ, का हो क्या गया? कहा है ना कि आज ना हमको आपको टेस्ट करना है। हमको ये हलवा है जो हमको टेस्ट करना चाह रही हो? हमको आपसे एक सवाल पूछना है। अच्छा, मतलब टेस्ट करना चाह रही हो, उसे टेस्ट कहते हैं पगली। सही पकड़े हैं। आप पूछे को? हाँ पूछो, बिल्कुल बिल्कुल। हमको एक तो बात बताइए, आपकी 27 मई को कहाँ आता है? अरे तेरा 27 मई को कैसे भूल सकते हैं पगली। जब भी पुरवैया हवा चलती है, चोटों के दर्द उभरते हैं, तो दर्द में सिर्फ एक ही आवाज आती है, 27 मई 27 मई 27 मई। हमको कुछ समझे नहीं। अरे 27 मई के दिन ही तो भगा के तुमसे शादी किए थे। हाय दिया। और तुम्हारे वो डैडू और पुत्तन हमें क्या बुरी तरह से तोड़े थे। हाय दिया, हमको बहुत 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 खुशी हुआ ये जानकर कि आपको याद है कि 27 को हमारा वेल्डिंग एनिवर्सरी है। वेल्डिंग एनिवर्सरी नहीं पगली, वेडिंग एनिवर्सरी होता है। सही पकड़े हैं। लेकिन हमको बहुत दर्द होता है। आप क्या बोले? कुछ नहीं। लड़की के भैया, एक तो बात और पूछे। पूछो। इस बार हमको का गिफ्ट देने वाले हैं? अरे जो तुम चाहो सो ले लेना, लेकिन वैसे भी तुमको हमारे गिफ्ट कौन सा बहुत पसंद आते हैं पगली। बोलिए, हमको बहुत पसंद आता है आपका दिया हुआ चीज। लेकिन कहा है कि याद है आपको पिछली बार का किए थे आप, एक ठिकानों सेल से आप 100 रुपए का साड़ी ले आए थे, उसके बाद जैसे हम उनको पहने थे तो ऐसे तार तार हो गया था। अम्मा जी का कॉल है। ये तेरा अम्मा जी? हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। जुग जुग जी उम्र बच्ची, कैसन बा? हम ठीक बा अम्मा जी, आप कैसन बा? अरे हम तो ठीक है। अच्छा सुनो, 25 तारीख को तुमना और बैल का शादी का सालगिरह है ना, याद है? याद है अम्मा जी, अभी लड्डू के भैया से हम वही चर्चा कर रहे थे। अच्छा अच्छा, फोन का स्पीकर पे डालो। ठीक बा, डाल दिए हैं। ए बैल, सुन रहा है कि नहीं? हाँ सुन रहे हैं, प्रणाम। अरे प्रणाम गया तुम्हारे गुइया के खेत में। हमको पहले ये बताओ कि तुम्हारा शादी को कितना साल हुआ है? अब 10 साल। 10 साल, और ये 10 साल में तुम एक गुइया भी ना उखाड़ पाए हैं। का मतलब? अरे मधुबल की पोता, ये 10 साल में तुम हमको एक पोता पोती का मुंह भी नहीं दिखा पाए। अरे तुम्हारी जगह कोनो और होता तो 8-10 बच्चे हमारे आंगन में खेल रहे होते। तो इसमें फिर हमारी क्या गलती है गई? अरे सब तुम्हारा ही गलती है।
हमारी बात कान खोल के सुन ले। ई बार जो है हमको बहुरिया का गोद भरा हुआ चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारे गुर्दे जो है पिचका देंगे। हाँ ठीक बोल रही है अम्मा जी। बहुरिया हमारी बात ध्यान से सुनो बिटिया, हम जो है पंडित रामफल के यहाँ गए रहे, तुम दोनों का कुंडली देखे रहे। अच्छा अम्मा जी, फिर? और वो बोले हैं कि ई बार जो है बैल और तुम अगर पानी में अपना शादी का सालगिरह मनाओगे तो संतान सुख का प्राप्ति होगा और तुम्हारा गोद भर जाएगा बिटिया। क्या बात करी है? ये तो बहुत ही अच्छा बात है। अरे एक मिनट, उछलना कूदना बंद करो। एक बात बताओ अम्मा, ये क्या नया तोता पलवा दिया रामपल ने? है हम क्या शादी की सालगिरह पानी के अंदर डूब के मनाएंगे? अरे बैल जड़ बुद्धि, हमका तुमसे यही बेवकूफी भरा सवाल का उम्मीद था। सुना हमारी बात ध्यान से, पंडित रामफल जो है उनके एक ठो चेले हैं, उनका अपना जहाज है पानी का, तो वो दुठो पास तुम दोनों के लिए लेके आए हैं, तो तुम दोनों जो है वो जहाज में जाके अपना शादी का सालगिरह मनाना और हम दुठो पास तुम लोग के लिए लेके आते हैं, समझे? ठीक बा अम्मा जी, बहुत बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। हाँ बिटिया, लेकिन मजा के साथ साथ जो है हमको पोता पोती का मुंह भी दिखाना है। अबाइल ध्यान से सुन, ई बार अगर हमरी बहुरिया का गोद नहीं भरा ना तो हम हुई आ करके समंदर में तुमको धकेल देंगे। चलो रखो फोन। क्रूज पर जा रहे हो और डॉल्फिन आ जाए। भाभी जी मर गए क्या? जब आप टॉम क्रूज के साथ जा रही हैं? क्या बोले? भाभी जी अभी आप कह रही थी ना कि आप कहीं जा रही हैं टॉम क्रूज के साथ। हम तो गाना गुनगुना रहे थे, और वैसे भी जा तो हम लड्डू के भैया के साथ रहे हैं अब पानी के जहाज पर। वो आप क्रूज कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। अभी क्या कहा आपने? आप लड्डू के भैया के साथ क्रूज पे जा रही है, मतलब पानी के जहाज पे जा रही है? सही सुने हैं आप, हम और लड्डू के भैया पानी के जहाज पे जा रहे हैं। लेकिन क्यों? व्हाई? कहा है ना कि हमारे शादी का सालगिरह है। You should be sorry on that day because you married a man of no substance. क्या बोले? शादी की सालगिरह तो हर साल आती है भाभी जी, what is there to celebrate? ये शादी का सालगिरह बहुत स्पेशल है, और कहा है ना कि इका प्रोग्राम जो है पूरा अम्मा जी बनाई है, और वो बोली है हमसे कि हम जाएंगे दो और आएंगे तीन। ये जाएंगे दो आएंगे तीन, मैं समझा नहीं, who's the third one? ये तीसरा कौन है इसमें? अका बुद्धि जी, आप भी ना, आप भी बहुत बहुत बुड़बक हैं। अका है कि अम्मा जी ये चाहती हैं कि लड्डू के भैया और हम पानी के जहाज पर जाएं, और जब आए तो हमारे पास उनका पोता हो। ये मुटल्लो मरती भी तो नहीं ना? क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी ये मुटल्लो मतलब आपकी अम्मा जी क्यों चाहती हैं ऐसा? ओ हमारी बुजुर्ग है ना, और वैसे भी वो जो चाहती है उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। और फिर देखिए ना अलीडू की भैया और हमारी शादी को भी पूरा 10 साल हो गया है, अब तो हमारी गोद में एक मुन्ना खेलना चाहिए कि नहीं? अभूरी अभूरी, देखो हम तुमको बोले थे वो च्यवनप्राश ताकत बढ़ाने वाला। हाँ ये लीजिए, च्यवनप्राश का जुगाड़ कर रही हैं लड्डू के भैया के लिए। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।